Hey Loggerians, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. Welcome to the Sunday video जो होती है हमारे advocates और law students के लिए. हम बात करते हैं कुछ ऐसे topics की जिनके through हम आपकी help कर सकते हैं. बहुत सारे advocates और law students ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि उन्हें बहुत कुछ पढ़ना है but वो enjoy नहीं कर पाते हैं reading और वो even extra reading करना चाहते हैं but वो नहीं कर पाते हैं. आज हम बात करेंगे कि how you can start enjoying reading as a lawyer or a law student. This is going to be a very helpful video for even law students who want to start reading but they are not able to. Let's get into the video. Step 1. Go to a library or a bookstore and pick up different books. देखिए आपने क्या करना है, आपने different sections में से different books उठानी है और उनको पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है. और library या bookstore में आप जा सकते हैं और वहाँ पे बैठ के आप पढ़ लें, ठीक है ना. library में जाएंगे तो ज़्यादा beneficial रहेगा. Do this for at least 1 week. 1 week के लिए आपने ऐसा करना है. Read books from different sections and see which kind of book is holding you. ठीक है, different sections की book पढ़िए और देखिए कि कौन सी book आपको hold करिए, किसके साथ आप hook up हो गए, किस book के बारे में आप सोच रहे हैं कि यार अब अगला क्या होगा, अब क्या होगा. तो वैसी सी books मतलब आपको पसंद है. Keep on trying different books till the time you do not find that one which keeps you hooked, right? उसके बाद eventually you will get to know which kind of books you love. Google about more books which belong to the category, ठीक है ना. Eventually आप 1 week के लिए जब आपको पता चल गया अच्छा ये book boring है, रहने दो रहने दो, इतने सारे sections होते हैं, different sections में से books उठाइए, उनको पढ़िए और जो book आपको पसंद आए उस बाद Google करिए कि ये कौन सी category की book है, इसमें और कौन सी books हैं इस category में, आप वो वाली books try करिए एंड eventually आपको पता चल जाएगा कि आपका taste क्या है जब books के बारे में बात आती है. तो इसीलिए आप ऐसे books को enjoy करना start कर देंगे और वो कोई भी category की बुक हो सकती है. अगर आप वो बुक एंजॉय करेंगे तो आपको वो ज़्यादा समझ आएगी, आप ज़्यादा उसमें से रिटेन कर पाएंगे और अल्टीमेटली वो आपको अपनी एडवोकेसी में हेल्प करेगी. स्टेप 2, फिक्स अ टाइम टू रीड एवरी डे. देखिए अगर आप एक न्यू रीडर हैं, बिगिनर रीडर हैं, आपने पहले इतना नहीं पढ़ा है एक्स्ट्रा बुक, तो आपको एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए जब आप पढ़ेंगे सो दैट आप एक रिचुअल बना लें, आप एक हैबिट क्रिएट करें. एक न्यू हैबिट क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना. तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए. इट कुड बी यू कैन बिगिन योर डे विद रीडिंग और यू कैन एंड योर डे विद रीडिंग, मतलब सोने से पहले पढ़ सकते हैं या फिर जब आप उठते हैं सुबह तब भी आप रीडिंग कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है. गिव योर सेल्फ अ ड्यूरेशन इन विच यू आर गोइंग टू कम्प्लीट द बुक, ठीक है ना. अब ये नहीं है कि आपने एक बुक ली और उसको 1 ईयर लगा दिया पढ़ने में, ऐसा नहीं करना है. आप अपने आप को डेज दे सकते हैं, देख लीजिए वो बुक कितने पेजेस की है और अकॉर्डिंग उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, अकॉर्डिंगली अपने आप को एक टाइम दे दीजिए कि ठीक है ये बुक मैं 25 डेज में पढ़ सकती हूँ, ये बुक के लिए मुझे 2 मंथ्स चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप वो बुक पढ़ लें. अब सेट अ गोल दैट यू विल बी रीडिंग अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ बुक्स इन एन ईयर, ठीक है ना. जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं कि 4 to 5 बुक्स पढ़नी है मुझे इस साल में, या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, 1 book a month स्ट्रैटेजी, कि आप हर मंथ में एक बुक तो पढ़ेंगे. 1 book is equal to 1 month एंड इससे आप बहुत सारी बुक्स रीड कर पाएंगे क्योंकि आपको मोटिवेशन रहेगा कि ओके मुझे एक बुक तो पढ़नी है एक मंथ में. एंड जो बिगिनर रीडर्स होते हैं जिनको रीडिंग करना पसंद नहीं होता, स्पेशली एक्स्ट्रा रीडिंग करना पसंद नहीं होता, वो क्या मिस्टेक करते हैं. रीडिंग बुक्स विच यू डोंट लाइक, आपको कोई भी बुक रिकमेंड कर देता है, आप वो बुक पढ़ने लग जाते हो, आपको पसंद नहीं आती एंड आप एक कंक्लूजन निकाल लेते हो कि आपको पढ़ना नहीं पसंद, आपको बुक रीडिंग करना नहीं पसंद. यू गेट बोर्ड एंड यू थिंक यू डोंट रियली लव रीडिंग, ठीक है ना. तो फिर आपको लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम है, ये मैं कर ही नहीं सकता. तो ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो नॉर्मली लोग करते हैं, नॉट कैरिंग योर बुक अलॉन्ग विद यू व्हेन यू नो यू हैव टाइम टू रीड. देखिए जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आपको किसी की वेट करनी है कहीं पर, ठीक है, आपको पता है आपके पास टाइम होगा, या फिर ऑफिस में आज कुछ ज़्यादा काम नहीं है, आप वहाँ पर रीड कर सकते हैं. आप ऐसी जगहों पर फ्री बैठ जाएंगे और अपना मोबाइल देखते रहेंगे बट आप बुक नहीं कैरी करेंगे. तो इट इज़ बेटर जब आपको पता है आपके पास थोड़ा सा भी फ्री टाइम होगा तो अपनी बुक कैरी करिए अपने साथ. चूजिंग अ बुक विद समवन एल्स लाइक्स, डू यू ईट द सेम फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम विच योर फ्रेंड डज इवन दो यू डोंट लाइक. अब आप आइसक्रीम खाने जाते हैं तो अगर कोई चॉकलेट आइसक्रीम खा रहा है तो आप भी क्या चॉकलेट ही खाएंगे, जबकि आपको चॉकलेट आइसक्रीम नहीं पसंद है. सिमिलरली इज विद बुक्स,
जो आपका टेस्ट है, जो आपको पसंद है वो पढ़िए, ज़रूरी नहीं है जो किसी और को पसंद है वो आपको भी पसंद है। अगर आप ये वीडियो देखकर ये वाले मेथड अप्लाई करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, देख लेते हैं वो क्या है। स्लो रीडिंग स्पीड, आपको लगेगा कि आप बहुत ही धीरे पढ़ते हो, कोई बात नहीं, अगर आप एक दिन में 2 से 3 पेजेस भी पढ़ रहे हो स्टार्टिंग में तो कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ रहे हो वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो आपने इसलिए नहीं छोड़ देना कि मेरी तो रीडिंग स्पीड बहुत कम है। अगर आपकी रीडिंग स्पीड स्लो है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप हर रोज़ पढ़ोगे तो आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी, जो आपको आपके प्रोफेशन में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो 2 to 3 पेजेस अ डे का ही आपने स्टार्टिंग में रखना है कि इतने ही पेजेस मुझे पढ़ने हैं, आपकी रीडिंग स्पीड बहुत ही स्लो है। ओके, मोर टाइम टू अंडरस्टैंड। अब आपको कभी कभी लगेगा कि आपको एक पैराग्राफ बार बार पढ़ना पड़ रहा है, रीडिंग करनी पड़ी है पैराग्राफ की, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है समझने में। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। स्टार्टिंग में अगर आप अपना टाइम ये लगाओगे अंडरस्टैंड करने में तो ये अगेन आपके अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाएगा, ठीक है ना, वो भी आपको आपकी एडवोकेसी में हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज पीपल मेकिंग फन ऑफ यू। अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसने कभी भी किताब नहीं उठाई है और आप पढ़ रहे हैं लोगों के आगे, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, उनको इग्नोर करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो और इसीलिए आपने ये स्टेप लिया है, तो आप इन लोगों को इग्नोर करेंगे, राइट। नॉट एबल टू फाइंड टाइम टू रीड। देखिए, टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं कि जी हमें टाइम नहीं मिलता, आपके जो टिप्स हैं वो तो हम अप्लाई कर लें, बट टाइम नहीं मिलता। टाइम आपको निकालना पड़ेगा, चाहे आप 30 मिनट्स निकालें, 15 मिनट्स निकालें, 20 मिनट्स निकालें, खाना खाते हुए पढ़ें, रात को पढ़ें, दिन में पढ़ें, कभी भी पढ़ें, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। और इसलिए स्टार्टिंग में अगर टाइम फिक्स कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। Do you need some recommendations? Firstly, हमने एक वीडियो ऑलरेडी कर रखी है जिसके अंदर 4 बुक्स मैंने रेकमेंड करी। अगर आप उनमें से 2 बुक्स, जो फर्स्ट 2 बुक्स हैं, वो भी पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको और recommendations चाहिए तो लीव अ कॉमेंट डाउन बिलो, आई वुड लव टू टेल यू द बुक्स दैट यू शुड रीड। एंड अगर आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ये वीडियो देखने के बाद, तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे टैग करिएगा, सो दैट हम दिखा सकें सबको कि देखिए जो लॉगरियंस हैं वो पढ़ने लग गए हैं, तो सबको मोटिवेशन मिलेगा। तो हम हैं इंस्टाग्राम पे @IAmLogri के नाम से, प्लीज़ टैग करिएगा सो दैट एवरीवन गेट्स मोटिवेशन फ्रॉम यू। यू बींग अ लॉगरियन कैन मोटिवेट पीपल। सो आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको संडे वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं अगले संडे, प्लीज़ ये स्पेस चेकआउट करना मत भूलिएगा। बाय। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAmLogri के नाम से हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं। और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ, तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।